खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं 100 सेकंड में राजनीति जगत से जुड़ी खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नहीं चला खट्टर का मैजिक, किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत। बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 और अन्य को 9 सीटें मिली। सिरसा से चुने गए विधायक गोपाल कांडा ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक 6 निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर रात को 1 घंटे तक चली बैठक, जेपी नड्डा, अनिल जैन, बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, गोपाल कांडा निर्दलीय हैं, उनकी मर्जी है, जिस मर्जी को समर्थन दे। रोहतक जिले की गढ़ी सांपला किलोई सीट से जीते भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जश्न मनाया। रनिया से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने बीजेपी महासचिव और हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन से मुलाकात कर बीजेपी को अपना समर्थन देने की घोषणा की। हरियाणा की उंचाना कला सीट से जीते दुष्यंत चौटाला, मां नैना चौटाला ने बाढ़ड़ा सीट से जीत हासिल की। दुष्यंत चौटाला ने आज बुलाई जेजेपी की बैठक, कांग्रेस या बीजेपी को समर्थन देने पर फैसला होगा। महाराष्ट्र में फिर से बनने जा रही है बीजेपी शिवसेना की सरकार, बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 161 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में जीत के बाद सीएम पद पर शिवसेना ने बनाया बीजेपी पर दबाव, कहा 50-50 के फॉर्मूले पर नहीं झुकेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली से जीता चुनाव, पहली बार ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने लड़ा था चुनाव। बिहार के किशनगंज में उपचुनाव के नतीजे घोषित, पहली बार ओवैसी की पार्टी की जीत, किशनगंज में बीजेपी को हराया।